नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं जयनगर से अमृतसर के बीच चलने वाली सरयुयमुना एक्सप्रेस के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए और साथ साथ रेलवे न्यूज के लिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। बात की जाए सरयुयमुना एक्सप्रेस की, ट्रेन नंबर वेट करती है 14649 पब्लिक 50। ये ट्रेन जो है एक ट्राई वीकली एक्सप्रेस ट्रेन है, मतलब वीक में 3 डेज चलती है। जयनगर जो पड़ता है बिहार में, वहाँ से अमृतसर जंक्शन जो पड़ता है पंजाब में, इसके बीच चलती है। ये नॉर्दर्न रेलवे जोन द्वारा देख रेख करी जाती है। इसके करीबन 60 स्टॉप्स हैं। डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1671 किलोमीटर का। इसको टाइम लगता है कवर करने में 28 आवर 5 मिनट, बेसिकली उससे ज़्यादा ही लग जाता है, मैं आगे बताऊंगा। क्लासेस की बात की जाए तो इसमें ICF रेक शेयर होते हैं, जिसमें से एक सेकेंड AC कम थर्ड AC का कोच होता है, एक थर्ड AC का, 7 स्लीपर क्लास, 10 जनरल अनरिजर्व्ड और 2 रिजर्वर का यूज होता है। ऑपरेटिंग स्पीड की बात की जाए तो 41 KMPH मिनी इंक्लूडिंग हॉल्ट स्पीड है और 110 KMPH मैक्सिमम है। रूट से हॉल्ट की बात करूँ इसकी दोस्तों, तो जयनगर से निकल के दरभंगा जंक्शन, समस्तीपुर, हाजीपुर, छपरा, बलिया, माओ, लखनऊ चारबाग, शाहजहानपुर, बरेली जंक्शन, गाजियाबाद, ओल्ड दिल्ली, पानीपत, अम्बाला कैंट, जलंधर सिटी जंक्शन होते हुए अमृतसर पहुंचती है। दोस्तों ये अपने साथ रेक शेयरिंग करती है, मतलब की बात की जाए तो 14673/74 शहीद एक्सप्रेस के रेक शेयर करती है। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, शहीद एक्सप्रेस जो है वो वीक में 4 डेज चलती है और ये वीक में 3 डेज, तो 4 दिन के लिए वो रेक्स जो हैं सेम रेक्स यूज़ होते हैं उसके अंदर शहीद में, और वही रेक्स सरयुयमुना एक्सप्रेस में वही रेक्स इसके अंदर भी शेयर होते हैं। तो 4 दिन वो चली, 3 दिन ये चली, तो इस हिसाब से ट्रेन चलती है। लोकोमोटिव की बात की जाए तो तुगलकाबाद शेड का WDM-3A या WDP-4B का लोकोमोटिव यूज़ होता है जयनगर से ओल्ड दिल्ली के बीच। फिर गाजियाबाद शेड का WEB-7 या WEB-4 का लोकोमोटिव यूज़ होता है टेल ओल्ड दिल्ली से अमृतसर जंक्शन के बीच। टाइमिंग्स की बात की जाए तो 14649 जो है तो जयनगर से संडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को निकलेगी सुबह 7:15 पे और अगले दिन अमृतसर पहुँच जाएगी 11:55 पे रात में। और फिर 14650 जो है वो मंडे, मतलब अमृतसर से हर मंडे, वेनसडे और सैटरडे को निकलेगी 11:55 पे सुबह में और अगले दिन जयनगर 1:15 रात में पहुँच जाएगी। तो दोस्तों बात करूँ मैं इसका टाइमिंग की, तो मैंने कैसे कहा था कि ये मतलब 28 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अगर ट्रेन टाइमली निकल रही है अमृतसर जंक्शन से, शहीद वाला ही हाल इसका भी होता है। अगर आपने शहीद की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, 11:55 पे निकली ट्रेन, ठीक है, इसका टाइम है 1:15 पे पहुँचने का अगले दिन रात में। फिर ट्रेन 1:15 ना छोड़ के अगले दिन सुबह, मतलब सुबह के 7 बजे 8 बजे करीब ये जयनगर स्टेशन पहुँचती है, मतलब करीबन 10 से 12 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे ये ट्रेन आराम से लेट हो जाती है अपने पूरे सफ़र में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना।